लोग हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फ्रेंड का बेटा जो अपने डॉगी को वॉक करवाने निकला हुआ। खैर मुझे भी 15 डेज हुए, मैं उम्रा घर कर आई हूँ। मेरे पेरेंट्स सऊदी अरब होते हैं, तो आपको पता है सऊदी अरब के खाने, ओहो, हम अलबेक ना खाएं, हम रोमांसिया के राइस ना खाएं, हम कब्सा ना खाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और ये सब चीज़ें खा खा के मैंने तो बहुत वेट गेन कर लिया है। मरियम परवेज़ के कहवे के तो काफ़ी चढ़ते हैं, चलें हम भी स्टार्ट करते हैं। यानी जी मैंने भी बना लिया मरियम परवेज़ का कहवा, जो 15 डेज चैलेंज है, हम भी ट्राई करने लगे हैं। मैंने भी अदरक को और लेमन के छिलके को पहले सुखा लिया था, फिर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून जीरा डालकर मैंने भी अपना कहवा तैयार कर लिया। तो हम भी चैलेंज 15 डेज का स्टार्ट करते हैं, और आई होप सो कि ये हम पे भी वर्क करे, क्योंकि अक्सर ऐसे कागज़ होते हैं जो हम देखते तो हैं लेकिन वो हम पे वर्क नहीं करते। उन्होंने कहा था आपने लाइक पकाना वगैरह नहीं है, सिर्फ दो जोश आए तो आपने अपना कहवा आपका रेडी, आप उसको स्ट्रेन करें और पीएं बस। फिर आपने आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना, कोई नाश्ता नहीं करना, आधे घंटे के बाद फिर हमने अपना नाश्ता स्टार्ट करना है। कि हम भी इस मरियम परवेज़ को फॉलो करते हुए हम भी यही चीज़ सारी करेंगे। हमने अपना कहवा जो है वो फिनिश कर लिया है और हमारा आधा घंटा गुजर गया, तो मैं अपना नाश्ता तैयार करने वाली थी। मैंने ब्राउन टोस्ट लिए, मीट से ज़रा अच्छा वो फ्लेवर वो तो आप जैसे किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और मैंने ब्राउन ब्रेड और फ्राइड राइस तैयार किया था अपने लिए। आप भी अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो जो समझ कहा था आपने बहुत ज़्यादा लाइक आपने बस पोर्शन अपने कंट्रोल कर लिए, ये नहीं कि ज़्यादा। अब एक बार पेट भर के नहीं खाना, 3 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, 3 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, और 8, 8:30 और 9 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना और अपना कहवा कंप्लीट कर लेना है आपने उससे पहले। मेरे बेटे के दोपहर का खाने का टाइम हो गया, तो मैंने उसके एलोवेरा राइस बनाई थी, उसको खिलाने का टाइम आ गया। बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल काम है, जब तक उनको राइम्स ना लगा के दिए उन्होंने नहीं खाना। हाँ जी, तो हम निकले हैं वॉक के लिए। शाम की 5-6 बजे का टाइम हो रहा है। तो मरियम परवेज़, आपको जैसे कि पता है मैं सारा दिन मरियम परवेज़ को फॉलो कर रही हूँ, तो उसने कहा था ज़्यादा लंबी वॉक आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप घंटे घंटे वॉक करें, सिर्फ 10 मिनट काफ़ी हैं। तो मैं अपने बेटे के साथ 10 मिनट के लिए वॉक पे निकली थी। तो शाम का वेदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी ज़रा काले बादल से आए हुए हैं, अल्लाह ताला फिर बारिश कर दे। बहुत हफ्स है, बहुत फैसलाबाद का मौसम बहुत गर्म है। हमारी वॉक भी हो गई है और जी मेरे बेटे ने प्ले भी कर लिया अपने फ्रेंड के साथ। चलें जी अब हम चाय का टाइम हो गया है, तो हम चाय पीते हैं। मैं तो चाय ना पीऊँ, मेरा सर दुखने लग जाता है, मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। ये परिंदे भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं, दिन का अख्ताम हो रहा है।